नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डू यू क्राई फॉर समबडी हु डोंट गिव अ डैम अबाउट यू। क्या आप किसी ऐसे इंसान के लिए रोते हो जिसको आपके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? हम सब की लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम सामने वाले इंसान के लिए रोते हैं, उसकी इज्जत पाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए वी लिटरली क्राई कि वो इंसान हमें क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर वो इंसान मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देता है, इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं देता है, और उस चीज़ को लेके हम रोते हैं सामने वाले इंसान के सामने, या फिर हम गिड़गिड़ाते हैं, हम आंसू बहाते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तो हमारे आंसुओं से, ना हमारे गिड़गिड़ाने से, ना हमारे रोने से, ना हमारे चिल्लाने से, ना हमारे भीख मांगने से, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मोटिवेशनल कोट्स के लिए और अपडेट्स के लिए मेरे जो मेरे चैनल के रिगार्डिंग होते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं किसी को रोने के लिए मना नहीं करता हूँ। अगर आप रोना चाहते हो, इफ़ यू फील लाइक क्राइंग, क्राई, दिल खोल के रो, बट आप रो किसके लिए रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है कि किस इंसान के लिए रो रहे हो। क्या आप किसी ऐसे इंसान के लिए रो रहे हो जो सच में आपको इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपके लिए प्रायोरिटी है, या फिर आप ऐवी किसी ऐरे गहरे के लिए रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो आप? अगर कोई सामने वाला इंसान सच में आपको मानता है ना, सच में वो आपकी रेस्पेक्ट करता है, सच में अगर आपकी आपको वो इम्पोर्टेंस देता है, वो आपको नहीं रोने देगा। अगर मैं हूँ, अगर मेरे सामने कोई आता है, कोई भी है, कोई भी इंसान आ रहा है, अगर वो रो रहा है, अगर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैं उसके आंसू नहीं देख सकता हूँ, मैं उसको नहीं रोने दूंगा। और अगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो इंसान रोए गाए चिल्लाए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रो उसके लिए जो रोने के काबिल हो, समझ रहे हो मेरे दोस्त? सबके लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, 90% लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है आपके रोने से, आपके चिल्लाने से, आपके आंसुओं से, आपके गाने से, कुछ भी नहीं पड़ता है। 10% लोग ऐसे हैं जिनको सच में फ़र्क पड़ता है अगर आप रोते हो, गाते हो, चिल्लाते हो, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो सच में आपके लिए मैटर करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए काबिल हैं, डिज़र्व करते हैं। रोना है तो उनके लिए रो जो इस चीज़ की डिज़र्विंग है। रोना है अपने माँ बाप के लिए रो। रोना है ऐसे इंसान के लिए रो जो सच में, जिसने सब कुछ किया है आपके लिए। ऐसे इंसान के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, सबके लिए नहीं, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रायोरिटी मानते हैं, जो आपको महत्व देते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। सबके लिए नहीं रोया जाता मेरे दोस्त। और कमेंट में एक चीज़ लिख के बताओ मेरे दोस्त कि मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगा, खासकर ऐसे इंसान के लिए जो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, या फिर जो उसके काबिल नहीं है, मैं ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रोने वाला हूँ। आई वुड नॉट क्राई फॉर समबडी हु डजंट गिव अ डैम अबाउट मी एंड माई लाइफ, दैट्स इट। बस इतना कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। Thank you so much for watching this video. Stay connected, stay blessed. God bless you, mere dost. Jai Hind, Jai Bharat.